वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों को नटराज, शिव का जो नटराज रूप है वो बनाना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। चलिए, इसके लिए क्या करेंगे, एक जहाँ बनाना होगा वहाँ इस तरह से एरो का छोटा सा शेप बना लेंगे। इसके बाद इस तरह से बालों का ये बना लिया और इस पर थोड़ा सा लंबा करके करते हुए ये फेस का शेप बना लेंगे। इस तरह से ये फेस का शेप हो जाएगा। मैंने पेंसिल से हल्का सा मार्क किया है कि इसको किस तरह ड्रॉ करेंगे। मैंने सिर्फ मार्क किया है और ठीक इसके नीचे मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया था कि यहाँ उनका ऊपर वाला जो जुड़ा है वो होगा, तो वहाँ पे गंगा जी की ड्राइंग होगी। वहाँ पे गंगा जी का बस सिर बनाया जाता है, और क्योंकि गंगा जी को उन्होंने धारण किया था ये इस तरह से बस उनका फेस बनाना है गंगा जी का। और यहाँ पे चांद, इस तरह से यहाँ पे चांद बना लेंगे। अब इसके बाद जो इनका ऊपर का भाग है जुड़े का, वो इस तरह ड्रॉ कर लेंगे और फिर बाल का बाकी भाग आ जाएगा। यहाँ से इक्वली ले लेंगे। इसको अभी इतना ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि आगे हम ड्रॉ करने के बाद तब बाकी का पोर्शन देखेंगे किस तरह करना है। ये ईयर्स इस तरह से ड्रॉ कर लिया, मेन ड्राइंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पेंसिल से इसलिए मार्क किया कि कोई भी लाइंस बीच में ना आ जाए, तो इक्वली मैंने यहाँ पेंसिल से ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो ये मैं स्नेक का बना रही हूँ, इस तरह मैंने कर दिया इसको। ये क्योंकि ये कंधे के साथ है, अगर मैं कंधा बना लेती तो फिर सांप का जो पार्ट है वो अच्छे से नहीं बन पाता, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। ऐसे हार्ट शेप में करके फिर उसको ऐसे मिला देंगे। ये इस तरह से कर लेंगे। ये हो गया है। अब यहाँ से हाथ ले लेंगे इस तरह, ये अंगूठा बन जाएगा। फिर इस पर सीधे बाकी चार उंगलियाँ बना लेंगे। ये बन गया। दूसरा हाथ भी बना लेते हैं, वहीं से ले लेंगे। इस तरह से ये ड्रॉ हो गया है। आप दूसरा हाथ भी बना लेंगे। नटराज के पोजेस बहुत सारे होते हैं, हाथ में अलग अलग तरह के, जैसे अग्नि लेकर भी, आग लेकर, इस तरह से ज्वाला के साथ। बट मैं जो बना रही हूँ उसमें मैं दोनों हाथों में त्रिशूल ही पकड़वाने वाली हूँ। इस तरह यहाँ से इसको आराम से इसको मूव करेंगे। हाथ बना लिया, यहाँ भी बंद गुट्ठी वाला हाथ बना लेंगे इस तरह। बनाने के बाद आप एक स्केल का यूज कर सकते हैं। ये स्केल है, इन दोनों हाथों को ऐसे इस तरह इक्वली दे करके पहले इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है ऐसे, क्योंकि ये हम त्रिशूल बना रहे हैं। और जो ये वाला हाथ है इसके ऊपर से नहीं करेंगे, इसके नीचे से लेते हुए इस तरह, ये हमारे पास त्रिशूल का लाइन आ गया। इसको हम अब इस पे पेन चला लेंगे या कलर से चला लेंगे। ये मैंने लाइन्स ड्रॉ कर लिया है, अब इसमें त्रिशूल बनाएंगे। तो हल्का सा मार्क कर लेंगे पेंसिल से, डायरेक्ट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे एक राउंड सा ऐसे बना लेंगे, फिर ऐसे जो कमल की पत्ती बनती है ऐसे, और फिर इसके बीच में एक लाइन डालेंगे ऐसे। ये हमारे पास आ गया। इसको हम अब डबल लाइन करते हुए
इस तरह से कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ ले लेंगे और फिर जो ऊपर का भाग है वहाँ से ऐसे हल्का सा कर्व कर देंगे कर लेंगे, और जो ये वाला भाग है उसमें भी इस तरह से ये ड्रॉ कर लेंगे, ये त्रिशूल बन जाएगा। अब बॉडी का बाकी पार्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं, इन सबको भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे रुद्राक्ष का मैंने पोर्शन दिया हुआ है, ये रुद्राक्ष यहाँ आएगा क्योंकि वो डांसिंग मोड में है, तो थोड़ा सा मैंने रुद्राक्ष को टेढ़ा कर दिया है, तिरछा जो हिल जाता है, तो इसके बीच से ये ले लेंगे लाइन्स। लाइन्स को बाद में डबल करेंगे, अभी सिंगल लाइन्स मैं बता देती हूँ किस तरह ड्रॉ करना है। बस ये हो गया, ये जो शिव जी का पैर होता है वो इस तरह जो ये वाला पैर है वो इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से ये पूरा ये बन जाएगा। ये बनाने के बाद यहाँ नीचे में पैर बना लेंगे, ये बना लिया मैंने पैर, देख लीजिए। अब इनके पैर के नीचे एक राक्षस होता है, तो राक्षस को भी ड्रॉ कर लेंगे, आप फ्रंट फेस भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं साइड फेस ड्रॉ कर रही हूँ। फ्रंट फेस बिल्कुल इसी टेक्निक से बीच में वी शेप करके हल्का सा ये राक्षस की ड्रॉइंग मैं यहाँ कर लेती हूँ, जो जिनको इन्होंने पैर से दाबा हुआ है। ये देखिए मैंने ये राक्षस को ड्रॉ कर लिया है, तो इस तरह ये अब इसमें बस बचा हुआ है क्या, बाल और आंखें। तो बाल ड्रॉ करने के लिए दो तरह से कर सकते हैं, या सिंपली इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या थोड़ा क्योंकि वो डांसिंग पोज में है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे छितरा हुआ बना लेंगे। तो चलिए पहले इसको पेंसिल से मार्क कर लेते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, और पेंसिल से बहुत ही लाइट मार्क करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पेंसिल से मैंने हल्का सा मार्क कर ले लिया है कि कितने एरिया में मुझे ये इनका बाल फैलाना है, शिव जी का बाल। तो चलिए इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, मैं एक दो स्टेप आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से कर लेंगे बड़े बड़े लेकर, फिर यहीं से ले लेंगे, फिर दूसरा जो है फिर यहाँ से लेंगे, फिर इसको ऐसे ले लेंगे, फिर तीसरा यहाँ से ले लेंगे, ऐसे और ऐसे इस तरह से लेंगे, बाल छिद्रा हुआ बनेगा। चलिए इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से बाल को ड्रॉ कर लिया है, अब ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, इसे बस हमें सजाना है, आंखें हम बाद में देते हैं। तो बस एक चीज़ और बस बच गया था क्या, कि यहाँ से जो गंगा जी का मुख है, यहाँ मुख से हम जल का ले लेंगे, पानी का जो गंगा जी बहती रहती हैं अनवरत, इसको यहाँ से लेकर के ये नीचे तक गिराना है, इसको ये नहीं कि आधे पे छोड़ देना है, इसको यहाँ शिव जी के पैर तक कम से कम यहाँ तक गिराना है। तो इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट होती है। चलिए अब इसको मैं सजा के दिखाती हूँ। सजाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पेंसिल से हल्का सा हमने मार्क लिया था उन सभी मार्किंग्स को इरेज कर देंगे इरेजर से बहुत ही अच्छे से। यह रुद्राक्ष को मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको सजाने के लिए मैं एक सैंपल आपको दिखा देती हूँ किस तरह इसको बनाएंगे। जैसे बाजू में मैं यह रुद्राक्ष बना रही हूँ, तो इस तरह से राउंड ले लेंगे ऐसे जोड़ते हुए, और फिर ऊपर से इनको डबल कर देंगे इस तरह से बहुत ही आराम से, तब ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसे डबल भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ छोटे छोटे सांप बनाने वाली हूँ इनके बाजू में। यही रुद्राक्ष हम हर जगह इनके श्रृंगार में डालेंगे। इस तरह मैंने इन कुछ डिज़ाइंस डाल के इनको सजाए हैं, इनको कलर भी करेंगे। एक चीज़ यहाँ मैं भूल गई थी, वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो पैर है, नटराज अवतार में भगवान के पैर में पाजेब पहनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने डांसिंग पोज यहाँ पे नृत्य करते हुए दिया था। तो इस तरह इनके पैर में यहाँ पर पाजेब भी, कई जगह सर्प को भी सांपों को भी लपटाया जाता है इनके पैरों में,
बट नटराज अवतार में उन्होंने पूरा पाजेब पहना हुआ था, तो अच्छे से पाजेब का जो डिज़ाइन है, पाजेब आप लोग अगर जानते होंगे तो उस तरह से पाजेब का पूरा बना लेंगे, पाजेब की झुमकी है। तो दो लेयर्स में मैंने इसको बना लिया है, इसको भी बना लेते हैं। इस तरह मैंने इनमें पाजेब पहना दिया है और इनको भी डबल कर लिया है। अगर हम सिंगल करते तो पता नहीं चलता कि ये रुद्राक्ष है या क्या, तो इसलिए हमने इसमें पाजेब का दिया है और उसमें थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन ऐड करेंगे जिससे ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये रुद्राक्ष नहीं है, यहाँ पाजेब है। इस तरह मैंने कुछ डिज़ाइंस ऐड कर दिए हैं इसमें पाजेब बनाने के बाद। अब देखते हैं, बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि बाल जो इस तरह के है इसको किस तरह करेंगे। आप कलर फिल कर सकते हैं बट वो दिखेगा नहीं, तो ये इस पर लाइन करेंगे, तो जो नीचे वाला है उसके इक्वल में लाइन करते जाएंगे, बहुत ही आराम से धीरे धीरे हाथों से इस तरह से लाइन करते जाएंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, और ऊपर जितना बचेगा उतना, फिर उसी तरह उसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसको लाइन करके पूरा फिल करेंगे, ये देखिए इस तरह से। चलिए पूरा को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए लाइंस को करते हुए जिस तरह मैंने बताया था, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए अब इनके बाकी जो बच गए हैं सजाते हैं उसे भी। इनका जो ये बाघ छाला वाला ड्रेस है, इसे हम ऑरेंज से कर रहे हैं, येलो से भी कर सकते हैं, और इसे मैंने जो डिज़ाइंस डाले थे उनको, उन पे नहीं लाइंस चलानी है, उसके आगे पीछे ऐसे करके और इस तरह से चला करके फिर मैं इसे डबल कचनी करूँगी, इस तरह डबल कचनी करूँगी इसमें। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। चलिए अब स्नेक को कर लेते हैं। ये देखिए सारे कलर्स भर के मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और राक्षस को भी कर दिया है। जब हम निप और ये तो मैंने स्केच पेन से किया है, थोड़ा सा मोटा है, बट जब हम इसे निप और कलर से पोस्टर बनाने के लिए करते हैं तब ये बहुत बारीक बारीक करते हैं, तब ये बहुत खूबसूरत लगता है। जिस तरह से मैंने बाल को किया है एकदम पतला और महीन, उसी तरह हर जगह वर्क होगा, ये लाइन वर्क भी और पतला होगा और ये भी और पतला होगा। तो इस तरह से इसको करेंगे। अब हम इनकी आँखें बनाएंगे, चुटकी बना देते हैं। आँखें बनाने के लिए मैंने गंगा जी का और इस राक्षस का बना लिया है। मैं शिव जी का आँखें बनाने आपको दिखा देती हूँ किस तरह करेंगे। जो ये मिडिल का पार्ट है ये यहाँ से राइट और लेफ्ट में लेंगे, तो कान के ठीक बगल में ये आईब्रोज ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आईब्रो ड्रॉ कर लिया मैंने और इसी आईब्रो पे इनकी नाक ड्रॉ हो जाएगी, इस तरह कर लिया मैंने। अब यहीं पे ऐसे ये होठ हो गया, इनके होठ हो गए। अब जरा आंखें बहुत ही आराम से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अगर गुस्से वाला दिखाना हो तो ये पलक नीचे नहीं देंगे, पूरे बीचों बीच आँखों में दे देंगे, मुझे गुस्से वाला नहीं दिखाना है, क्या कर लेंगे। अब बीच में भी आइस बनेगी, तीन आँखों वाले होते हैं शिव जी, यहाँ छोटा सा आँख बना लेंगे, जो आँख इनकी बंद रहेगी, बंद का बनाना है। और उसके बाद इनके त्रिपुंड चानन चंदन बनाएंगे सिर पे, एक दो और त्रिपुंड चानन चंदन जिसे कहते हैं। तो चलिए इसे कर लेते हैं। इसमें लाइंस कर देंगे बहुत ही पतली सी और इनको फिल कर लेंगे जो आंखें हैं इनको, और ऊपर रेड से कर लेते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो मैंने फिल कर लिया है और इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और ये चांद जो है ये वाइट ही रहेगा, इसे किसी तरह का कलर नहीं करना है। अगर वाइट कलर हो तो आप एक बार उसको ऊपर से वाइट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास बहुत ही सुंदर नटराज ड्राइंग आ चुकी है। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, आपका लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है।
और हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आपको नोटिफिकेशंस पहुंचाते रहें। थैंक यू।